मैं गुफरान खान आज आपके लिए लेकर आया हूँ नॉर्मल पॉलिसी और जीरो डब पॉलिसी में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल पॉलिसी और जीरो डब पॉलिसी में क्या अंतर है। तो लीजिए एक बार यहाँ कैमरा दिखा दीजिए। करेक्ट ही बता देता हूँ कि नॉर्मल पॉलिसी में जो अंतर आएगा, नॉर्मल पॉलिसी में अंतर है, तो नॉर्मल पॉलिसी में जो अंतर है वो ये है, तो आपको जो प्रीमियम आएगा उसमें कहीं पर भी डेप्रिसिएशन कवर नहीं होगा, सिर्फ बेसिक कवर होएगा, बेसिक टोटल होएगा, लेस मोटर टोटल, और इसमें आपको थर्ड पार्टी जोड़ दिया जाएगा नॉर्मल पॉलिसी में, बेसिक टीपी कवर, थर्ड पार्टी कवर, बेसिक टोटल, टीपी टोटल, टोटल प्रीमियम, तो इसमें कभी कहीं पर भी डेप्रिसिएशन कवर नहीं होगा, तो समझ लो ये आपकी नॉर्मल पॉलिसी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ नॉर्मल पॉलिसी में, नॉर्मल पॉलिसी। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा जो मेरे पास है, वो इंश्योरेंस है, इसको टोकियो से है। ये फ्रेंड्स जीरो डेप पॉलिसी है। देखो इसमें दोनों अमाउंट हैं, थर्ड पार्टी सेक्शन ए और बी। फ्रेंड्स सेक्शन ए और बी दोनों हैं, दोनों अमाउंट जुड़े हैं, थर्ड पार्टी का भी है और 18,130 फर्स्ट पार्टी का भी है, दोनों इसमें अमाउंट जुड़े हुए हैं। अब मैं इसमें जो अंतर जो जोड़ूंगा वो ये है कि ये जीरो डेप कैसे बनी। जीरो डेप पॉलिसी डेप्रिसिएशन वेवर कवर 5,750, ये आपकी जीरो डेप की पहचान है। ये एक्स्ट्रा जुड़ा होगा तो ये हमारी सबसे बड़ी पहचान यही है। और फ्रेंड्स, मैं जो आपको जो इंश्योरेंस दिखा रहा हूँ, सबसे बेहतरीन कंपनी है इफको टोक्यो, ये इंडिया की। मुस्कुराते रहो, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मुझे अभी तक इससे अच्छी कंपनी कोई नहीं लगी। तो कभी भी आप अगर इंश्योरेंस कराना तो इफको टोक्यो से कराना, आपको थोड़ा सा महंगा लगेगा लेकिन सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।